हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल डिज़ाइन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 25 का क्या क्या वर्क अपडेट है। तो ये लोकेशन है 228-100, जहाँ पे जो टोटल पेज मिल रहा है अपने को वो 170 मीटर लंबा है, और जिसमें बहुत साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यानी टोटल 340 मीटर में DVM का लेइंग हो रहा है। राइट साइड के अंदर DVM की फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर दोनों हो चुकी है। यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर DVM की सेकंड लेयर का लेइंग चल रहा है। आपको बता दूं कि जो फर्स्ट लेयर है उसका थिकनेस 70 mm रखा गया है, और जो सेकंड लेयर है उसका थिकनेस 100 mm है। यानी जो एक लास्ट लेयर बचेगी, थर्ड लेयर, उसका थिकनेस रहेगा 80 mm। यहाँ पे देखिए, ये टेम्परेचर चेकिंग हो रहा है। प्लांट से जो बिटमिन आती है उसका टेम्परेचर 165 होता है, और लेइंग के टाइम इसका टेम्परेचर 150 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बंदा ले टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है। तो इस पेवर की बात की जाए DVM लेइंग के लिए, यहाँ पे देखिए कोई भी पैक्स नहीं लगा हुआ है और ना किसी पे लेवल दिया गया। मतलब जो ये पेवर यूज हो रही है वो एक एडवांस पेवर है, जिसमें सेंसर के बेसिस पे काम होता है। यहाँ पे देख, यहाँ पे टोटल 3 सेंसर है इसमें, जिसको डेप्थ सेंसर बोला जाता है। ये यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये सेंसर लगा हुआ है। ये सेंसर तीनों लोकेशन का डिप कैलकुलेट करता है, और वहाँ पे अब यहाँ पे इसमें फिक्स कर दिया जाता है कि इतने mm लेइंग करना है। यहाँ पे देखिए, ये सुपरवाइज़र जो है ट्रिप काउंट करके कितना क्वांटिटी ले हो चुका है उसका डिटेल्ड, कितना मीटर जो लेंथ में कितना मीटर क्वांटिटी लगा है उसका डिटेल्ड जो डिस्क्रिप्शन रख रहा है अपने पास में। यहाँ पे ये न्यूमेटिक टायर रोलर चल रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी सेकंड लेयर का जो है लेइंग हो चुका है, और लोड काफ़ी मात्रा में लोड आया हुआ है जो वेट कर रहा है। हालांकि जो एक डंपर जिसका क्वांटिटी लगभग अब 14 क्यूबिक मीटर होता है, 14 से 15 क्यूबिक मीटर, उसको 9 मिनट लगते हैं टोटल ले होने में। यहाँ पे जो लेबर है वो बिटमिन को स्प्रे कर रही है ऊपर, ताकि जो सेग्रीगेशन हो वो ना दिखें। और यहाँ पे देखिए, ये प्राइम कोट टेक कोट हुआ है, यानी कि फर्स्ट लेयर के ऊपर टेक कोट करके फिर सेकंड लेयर डाला जाता है, ताकि इसके बीच में एक प्रॉपर बॉन्ड बने और कोई भी वॉइस ना रहे। ये लोड ख़त्म हो चुका है और सेकंड लोड अब आने वाला है फिर से। यहाँ पे देखिए, इस साइड में ये जो दो और एक पीछे में टोटल तीन सेंसर दिख रहे हैं। ये देखिए, ये सेंसर लगा हुआ है। इसकी जो है बॉटम से हाइट फिक्स रखी गई है, यानी कि अपने को जितना लेइंग करना है और जितना अपने को रिक्वायर्ड है। आपको बता दूं कि इसका पहले ट्रायल फेज किया जाता है लैब के अंदर, यानी टोटल इसका लेइंग पहले देखा जाता है कि अपने को कितना mm लेइंग करना है। लेइंग करेंगे तो अपने को जो साइट पे है इतने mm का लेयर मिल जाएगा। अपने को यहाँ पे 100 mm की लेयर चाहिए, 100 mm थिकनेस की लेयर चाहिए। तो यहाँ पे जो ट्रायल फेज किया गया था, ट्रायल फेज में देखा गया था कि हम 125 mm की थिकनेस देते हैं तो अपने को साइट पे रोलिंग के बाद में अप्रॉक्सीमेटली 100 mm थिकनेस मिल जाती है। तो यहाँ पे जो टोटल लेइंग हो रहा है वो 125 mm का हो रहा है, और अपने को जो रिक्वायर्ड होगा वो 100 mm होगा। यहाँ पे एक स्केल है, स्केल ली हुई है, स्केल से चेक किया जा रहा है कि कहीं पर थिकनेस कम तो नहीं आ रही है। ये देखिए, ये स्केल है इनके पास में, और ये इनका एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इस स्केल को इसमें डालेंगे और देखेंगे, जहाँ हार्ड पार्ट रहेगा वहाँ पे इंसर्ट होना बंद हो जाएगी, और जो टोटल थिकनेस रहेगी वो उस पर शो करने लगेगी, यानी 125 से अबव होनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे लेब की टीम भी आई हुई है, और प्रॉपरली चेक किया जा रहा है कि जो एग्रीगेट है प्रॉपरली कोटेड है या नहीं है। ये देखिए, टेम्परेचर का रिकॉर्ड किया जा रहा है, ऑन साइड टेम्परेचर, रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना है
आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसके लिए फिर अगर रिक्वायर्ड टेम्परेचर नहीं मिलता है तो प्लांट में एक इनिशिएट किया जाता है कि जो बिटवीन है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ाया जाए, ताकि जो इसमें ये भी है वेदर कंडीशन भी देखा जाता है कि अगर आपकी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो उसका जो टेम्परेचर है 4 से 5 डिग्री अप करके रखा जाता है। ये देखिए लैब टेस्टिंग की गाड़ी आई हुई है। अब हम चलते हैं सबग्रेड टॉप लेवल के बेड में। ये यहाँ का लोकेशन है 226-730। यहाँ पे सबग्रेड टॉप की जो है प्रिपरेशन चल रही है। सबग्रेड टॉप में ये एक पट्टी हो गया, इधर का पट्टी होना बाकी है, और उधर जो है जीएस भी चल रहा है। वहाँ पे इन पैक्स पे लेवल दिया जा रहा है। पैक्स पे जो लेवल दिया जाता है उसका क्या प्रोसीजर रहता है, उसके 2-3 वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। ये यहाँ पे सेक्शनिंग किया जा रहा है, ये पैक्स डले हुए हैं कितना जो है। अब ये टॉप लेवल से कितना इसको कट करना या कितना डाउन करना है, जो पॉइंट प्लस में है उसको कट किया जाता है। ये आगे जो बेड है वो एम्बैगमेंट टॉप लेवल का बेड है। यहाँ पे सबग्रेड की 2 लेयर डलना भी बाकी है। इस सेक्शन में करीब करीब 78% जो है अर्थवर्क का फिलिंग हो चुका है, और 3 से 3.5 किलोमीटर के अंदर WMM डल गया है, 4 किलोमीटर में GSB हो गया है, और अभी जो है DBM 1 तारीख को स्टार्ट हुआ है, 1 दिसंबर को, यानी टोटल जो है 340 मीटर में DBM की 2 लेयर डल चुकी हैं। ये देखिए, ये सबग्रेड टॉप लेवल बन चुका था, और जिसमें प्रॉपरली जो वॉइस थे उसको फाइंस डाल के रिमूव कर दिए गए हैं। प्रॉपर ग्रेडिंग, वाटरिंग और प्रॉपर लेवल में इसको बनाया गया है। देखिए यहाँ पे पॉइंट डले हुए हैं, इन पॉइंट पे पैक्स लगेंगे और GSB का लेइंग होगा। तो यहाँ पे जो GSB की लेइंग के लिए लेवल दिया जा रहा है, ऑटो लेवल लगा हुआ है। कैलकुलेशन हो गई है, अभी रीडिंग पढ़ना बाकी है। जो हेल्पर है, असिस्टेंट है, वो अभी नए हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे टेप पकड़ना है और कैसे स्टाफ को अप एंड डाउन करना है। ये देखिए, हमारे कलीग्स इनको सिखा रहे हैं कि कैसे करना है। यहाँ पे जैसे रिक्वायर्ड RL में अपने को डिप एड करना होता है और लूज एड करना होता है, उसके बेसिस पे यहाँ जो है डिप और लूज के बेसिस पे इसका RL छोड़ा जाता है रिक्वायर्ड RL से थोड़ा अप करके, ताकि जो है उस लूज को या डिप को, लूज और डिप दोनों को उस स्टाफ की स्ट्रिप पे टेप लगा के मेंटेन कर लिया जाता है, और वापस जो इतना लूज बचता है वो रोलिंग के लिए छोड़ा जाता है। जैसे 25 mm हमने लूज छोड़ दिया, रोलिंग किया और 10 mm डाउन हो गया, 10 mm दब गया, यानी 15 mm के टॉलरेंस में बेड बन गया। कहीं ऐसा होता है कि ज़्यादा दब जाता है, वो मटेरियल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ये देखिए, यहाँ पे स्टाफ रीडिंग पड़ी जा रही है। इसका एक प्रॉपर वीडियो, जो टेक्निकल टर्म्स क्या क्या होती है, टेक्निकल चीज़ें क्या क्या होती है, इसमें कैसे RL पढ़ा जाता है, वो सारा मैंने एक थ्योरेटिकल वीडियो डाला हुआ है। चैनल को विजिट कीजिए और उसमें देखिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे आपको, कि ऑन साइट जो है मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, सारा जो ऑन साइट वर्क कैसे होता है। थ्योरेटिकल और साइट में, प्रैक्टिकल में काफ़ी डिफरेंस होता है। ये देखिए, यहाँ पे ए टेप के ऊपर में स्टाफ को रखा जाएगा और उसका लेवल है जो अप और डाउन किया जाएगा। यहाँ पे देखिए सबग्रेड टॉप में, ये स्टाफ की जो स्ट्रिप है इस पे 200 mm की डिप सेट है, और ये धागा लगा हुआ है, दो बंदे धागा पकड़े हुए हैं। ये देखिए, टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इसमें एरर आएगा,
ये देखिए, एक सेंटी अप करना है बेड को, बराबर है, यहाँ पे कोई कटिंग नहीं करना है। तो ग्रेडर ड्राइवर, ग्रेडर ऑपरेटर अपना ब्लेड इस प्रकार से सेट करेगा कि वहाँ पे जो एक सेंटी अप हो जाएगा और इधर जो मटेरियल है वो 0-0 रहेगा। ये देखिए, और फाइनली जो ये स्ट्रिप बन रही है, इस स्ट्रिप को लास्ट में टो की साइड बाहर कर दिया जाएगा जो एक्स्ट्रा मटेरियल रहेगा। ये देखिए, एक सेंटी अप करना है, 2 सेंटी अप करना है, यानी ग्रेडर की ब्लेड में जो मटेरियल रहेगा उसको 2 सेंटी, यहाँ पे इसमें जो गियर्स लगे हुए हैं, गियर्स लगे हुए हैं, उनको प्रेस करेगा तो वहाँ पे जो मटेरियल छूट जाएगा, ये जो ब्लेड है थोड़ा अप हो जाएगा, अप हो जाएगा मतलब 2 सेंटी अप हो गया तो वो मटेरियल है वहाँ पे छूट जाएगा, तो वहाँ पे ब्लेड अपने आप 2 सेंटी अप हो जाएगा। ये देखिए, ये पैक्स लगा हुआ है, इसके ऊपर टैप से लेवल दिया गया है ऑटो लेवल से। तो जो GSB और सबग्रेड टॉफ है वो सेम है, जैसे अगर आप उसको लेवल से बना रहे हो तो उसको ग्रेडर से ही बनाना होता है। और फिर अगर WMM की बात करें तो उसको आप पेवर से बनाना पड़ता है, उसमें भी आपको लेवल से देना पड़ता है। जबकि DBM के अंदर एक एडवांस पेवर होती है, वो अपना जो है काम सेंसर के थ्रू करती है। उसमें ऑटो लेवल से लेवल देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो DBM है वो एक कॉस्टली मटेरियल है। DBM इन द सेंस डेंस बिटुमिनस मैकेडम। अब हम आते हैं यहाँ पे अपना जो है ब्लास्टिंग होगा। ये देखिए, सारी मशीनरी हैं जो पाड़ी पे वर्क कर रही थी, एट लास्टली यहाँ पे आके इस बेड पे, जो एम्बैगमेंट टॉप लेवल का बेड है, इसकी जो लोकेशन है 226060, उधर जो पाड़ी का लोकेशन है वो 224780 से स्टार्ट होता है, फिर फाइनली 225650 पे एंड होता है। और ये आगे जो बेड है ये एम्बैगमेंट टॉप लेवल बेड है, और बीच में जो है मेजर माइनर ब्रिज का लोकेशन है। अभी जो है ब्लास्टिंग होगा। ये देखिए, सारे PC थे, टोटल 6 PC इस पाड़ी पे काम कर रहे हैं, और कटिंग का जो है अभी इस पाड़ी में ओनली कटिंग बचा हुआ है, और लगभग 40-50% जो है कटिंग हो चुका है इस पाड़ी का। और टोटल इस लोकेशन में 3 पाड़ियां हैं, और तीनों पाड़ियों में 2 पाड़ी है जिनमें क्वांटिटी काफ़ी मात्रा में एक्सेस है, और 1 पाड़ी है जिसका क्वांटिटी कम है, मतलब छोटा पाड़ी है। तो इन पाड़ियों को डाउन में लाने के लिए केवल और केवल ब्लास्टिंग ही एक तरीका बचता है। तो डेली इसमें 3 ब्लास्टिंग लिया जाता है। ये देखिए, अभी जस्ट बटन क्लिक होने ही वाला है। इस प्रोजेक्ट की अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। एट लास्ट आपको एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की जाती है। चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पूरा जो है सपोर्ट दीजिए। मेरा हर वीडियो में यही मोटिव रहता है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ें शेयर की जाए, जो साइट का जो है एनवायरनमेंट है वो कैसा है, कैसी चीज़ें होती है, वो सारी अपने यूजर्स के साथ शेयर की जाए। सो फाइनली हम वेट कर रहे थे ब्लास्टिंग का, तो ये ब्लास्टिंग हो चुका है। देखिए, बहुत बड़ा गुबार और बड़े बड़े पत्थरों की बारिश हो रही है। ये पूरा गुबार है जो एनवायरनमेंट में फैल जाएगा। हालांकि इसमें बारूद की जो मात्रा है वो नीचे ही दब जाती है, केवल धुआं होता है, डस्ट होती है जो एनवायरनमेंट में जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए,
और हर एक इंटरवल के बाद में इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। सो दिस इज द व्यू ऑफ ब्लास्टिंग। सो ब्लास्टिंग हैज टेक प्लेस एट दिस हिल, और शाम को जो उधर 229 लोकेशन है वहाँ पर भी ब्लास्टिंग होगा, और एक पीछे में छोटा हिल है वहाँ पर भी ब्लास्टिंग का प्लानिंग रहता है।